हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और इसी नाम से मेरा YouTube चैनल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र जो चल रहा है यूरोप में, और हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमने पिछली वाली वीडियो में जो देखा था उसमें हमने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति क्या थी, किन कारणों से हुई थी, उसके पीछे के कारण, जिसमें हमने राजनीतिक कारण पढ़े, सामाजिक कारण पढ़े, आर्थिक कारण पढ़े और अन्य कारणों में सैनिक कारण और तात्कालिक कारण भी पढ़े। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे राष्ट्रवाद का निर्माण होता चला गया, ऐसी कौन सी परिस्थितियां आईं जिनकी वजह से लोगों के मन में जागरूकता आई, नवजागरण का विचार आया, लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति विचार उत्पन्न होने लगे और राष्ट्रवाद का निर्माण होता चला गया। तो देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। देखिए, मध्य 18वीं सदी का जो यूरोप था, जो कि आज के जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जाने जाते हैं। आज अगर हम जो है यूरोप का नक्शा देखें तो उसमें आपको ये देश दिखाई देंगे, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जैसे और भी ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन है, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ये भी सब दिखाई देंगे। लेकिन ये उस समय में, तब इनको राजशाही, डचियों और कैंटनों में ये बटे हुए थे, ठीक है। आज के टाइम पे जो इटली है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, वो तब डचियों, राजशाहियों और कैंटनों में बटा हुआ था। इसके अलावा जो पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में विभिन्न तरह के लोग रहते थे, जो कि अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। जैसे देखिए, आज के समय का अगर हम भारत देखते हैं तो एक देश के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हम भारत को देखते हैं, लेकिन आज़ादी के पहले वही भारत छोटे छोटे प्रांतों में, छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे जो है गणराज्यों को, सारे प्रांतों को एकजुट कर दिया गया। उसी तरह से यूरोप भी था, जो छोटे छोटे जो है राजतंत्रों में बटा हुआ था, अलग अलग स्थान पर अलग अलग राजाओं की हुकूमत थी, और जो ज़्यादा शक्तिशाली राजा था, जो ज़्यादा पावरफुल में था, वो जो है मतलब कई हिस्सों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता था। इसी तरीके से वहाँ पर जो साथी वे अक्सर अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे और विभिन्न जाति समूहों में बटे हुए थे, विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे। जैसे उदाहरण अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य, ये हैब्सबर्ग साम्राज्य उस समय का काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, जो कि कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़ करके बना था। इसमें एल्प्स के टिराल, ऑस्ट्रिया और स्वीडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया, ये बोहेमिया क्या था, यहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग थे, ये भी शामिल था। हैब्सबर्ग साम्राज्य में ये सारी चीज़ें शामिल थीं, ठीक है। इसके अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य में लामबार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। तो आप एक तरफ देख रहे हैं कि क्या है कि कुलीन वर्ग में जो जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादातर लोग हैं, ऐसे बोहेमिया जैसे साम्राज्य, छोटे राज्य भी शामिल थे, और उधरी हैब्सबर्ग साम्राज्य में लामबार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत, जहाँ की जो भाषा थी वो इतालवी थी, इटली की भाषा, जो आज के समय में हम इटालियन लैंग्वेज कह सकते हैं, उस भाषा का प्रयोग अधिकतर लोग करते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं विरोधाभास उत्पन्न हो गई जब भाषाएं अलग अलग हैं। आगे देखते हैं कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे आया, ठीक है। तो इसके लिए कि जो है यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार किस तरह से लोगों के मन में उत्पन्न हुआ, हमको कुछ टॉपिक देखने पड़ेंगे, कुछ हेडिंग्स देखनी पड़ेंगी, जिसमें पहला जो है वह 19वीं शताब्दी के पहले यूरोपीय साम्राज्य की संरचना। देखिए, मैंने जो है फ्रांस की क्रांति को समझाते समय ये चीज़ बताया था कि कोई भी क्रांति कब होती है, किन कारणों से होती है, उसका सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है राजतंत्र का निरंकुशवाद। जो शासक वर्ग है उसमें जब निरंकुशता बढ़ती चली जाती है, रूढ़िवादिता बढ़ती चली जाती है, तो इसी के कारण जो है विद्रोह होते हैं, इसी के कारण क्रांतियाँ होती हैं। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे किस पर, यूरोपीय समाज की संरचना पर, 19वीं शताब्दी के पहले ये संरचना कैसी थी। तो जब हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के पहले की सामाजिक संरचना उसकी, तो हम देखते हैं कि समाज जो है उस समय दो वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग जो था वो उच्च वर्ग था,
जिसमें कुलीन वर्ग के लोग आते थे, इसको हम उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग या साधन संपन्न वर्ग भी कह सकते हैं। दूसरा जो वर्ग था वो निम्न वर्ग था, जिसमें कृषक आते थे, उसको हम कृषक वर्ग भी कहते हैं। और इन दोनों को समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम इनमें अंतर देख लें। तो अंतर जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले जनसंख्या के आधार पर। तो ये पता चलता है कि जो उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग के लोग थे उनकी जनसंख्या बहुत अधिक नहीं थी, वो बहुत कम आबादी के लोग थे। लेकिन जो कृषक वर्ग था उसकी जनसंख्या बहुत अधिक थी, ठीक है। दूसरा, वर्चस्व की बात अगर हम करें तो हम देखते हैं कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यूरोपीय महाद्वीप पर जो है जो कुलीन वर्ग था, जो साधन संपन्न वर्ग था, उसका वर्चस्व बहुत अधिक था। और दूसरी तरफ जो कृषक वर्ग था वो असहाय वर्ग था। जमीनों की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो ज़मीनें थीं उनके मालिक कुलीन वर्ग के लोग ही थे, उच्च वर्ग के लोग ही थे, उनमें ज़्यादातर जमींदार वगैरह भी आ जाते थे। अब सोचिए कि इनकी जनसंख्या कम है लेकिन उसके बावजूद ज़मीन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं के पास है। लेकिन जो किसान वर्ग था वो किराए की ज़मीन पर खेती करता था या फिर भूदासत्व खेती करता था। इसके अलावा हम अधिकारों की अगर बात करें तो देखते हैं कि कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे जबकि किसान वर्ग को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके अलावा जब कर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो यही विशेषाधिकार भी था इनका एक तरह का, कि कुलीन वर्ग और उच्च वर्ग को ये कर से मुक्त थे, इनको कर नहीं देना पड़ता था। दूसरी तरफ जो कृषक वर्ग था जिसकी इनकम वैसे ही बहुत कम थी उसको कर भी देना पड़ता था। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो है यूरोपीय समाज की संरचना किस तरह से जो है असमानताएं हैं इनकी संरचना में, अमीर और निम्न वर्ग में। तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा कि फ्रांस की क्रांति धीरे धीरे सामने आने लगी। अब आगे जब हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने एक निष्कर्ष लिखा है कि यूरोपीय समाज का असमान विभाजन, यानी इनके समाज की जो सामाजिक इनका यूरोपीय सामाजिक संरचना थी उसमें काफ़ी ज़्यादा असमानताएँ हम देखने को हमें मिलती हैं। अब देखते हैं कि मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ। भाई एक तरफ तो था कुलीन वर्ग, एक तरफ था निम्न वर्ग, इसके बीच में ही एक आया मध्य वर्ग, ठीक है। अब ये मध्य वर्ग क्या था तो देखते हैं कि 19वीं सदी के दौरान पश्चिमी और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, ठीक है। 19वीं सदी के दौरान ही जो है पश्चिमी और मध्य यूरोप में क्या हुए कि औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगे, औद्योगिकरण आया, औद्योगिकरण के कारण जो है मशीनों का अधिक उपयोग किया जाने लगा, और जब मशीनीकरण हो गया तो उसके कारण क्या हुआ, उत्पादन बढ़ने लगा, जिससे लोगों का व्यापार भी बढ़ने लगा। इसके कारण क्या हुआ, वैसे थोड़ा सा मैंने यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट चीज़ एक लिख दी है कि जैसे 19वीं सदी के दौरान ये जो औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिकरण हुआ, वो पश्चिमी और मध्य यूरोप में हुआ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ था, क्योंकि यहाँ मशीनीकरण पहले आ गया था, आधुनिकीकरण पहले आ गया था, इस कारण से इंग्लैंड में 18वीं सदी के दूसरे ही भाग में औद्योगिकरण प्रारंभ हो चुका था। लेकिन फ्रांस में वही 19वीं शताब्दी के दौरान आया। औद्योगिकरण की प्रक्रिया का परिणाम क्या हुआ, औद्योगिकरण की प्रक्रिया जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे ही एक नए वर्ग का अस्तित्व सामने आने लगा, जिसमें श्रमिक वर्ग भी थे और मध्यम वर्ग के लोग भी थे। श्रमिक वर्ग जो कारखानों में उद्योगों में काम करते थे, और जो मध्यम वर्ग था उसमें उद्योगपति आते थे, व्यापारी आते थे, और सेवा क्षेत्र के लोग जैसे डॉक्टर्स हैं, शिक्षक हैं, ये लोग आते थे। तो जो मध्यम वर्ग था वो किस तरह का वर्ग था, वो पढ़ा लिखा वर्ग था, शिक्षित वर्ग था। और जो पढ़ा लिखा वर्ग होता है उसी में ही नए विचार पनपने लगते हैं, ठीक है। तो इसी मध्यम वर्ग ने 19वीं सदी के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज़ादी और समान कानून की मांग रखी, जिसे कहा गया उदारवादी राष्ट्रवाद। तो ये जो मध्यम वर्ग था, चूंकि ये पढ़ा लिखा वर्ग था तो इसके अंदर क्षमता थी नए विचारों को उत्पन्न करने की, नए विचारों पर विचार करने की। इस कारण से इनके मन में जो है ये चीज़ जरूर आने लगी कि एक तरफ कुलीन वर्ग है, उच्च वर्ग है, एक तरफ निम्न वर्ग है, क्यों ना इन सभी के मध्य समानता स्थापित कर दी जाए। तो वो कानून के समक्ष सभी के बीच में समानता की मांग करने लगा। इसी को ही हम उदारवाद कहते हैं। और उदारवाद की परिभाषा क्या है, उदारवाद को हम किस तरह से समझ सकते हैं, देखते हैं। उदारवाद इसका मतलब होता है लिबरलिज्म, ठीक है। अब लिबरलिज्म किससे बना है, ये लैटिन भाषा का जो मूल शब्द है लिबर से बना हुआ है, और इसका अर्थ होता है आज़ाद। लेकिन इसका लिबरलिज्म का मतलब स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। लिबर का मतलब है आज़ाद, लेकिन लिबरलिज्म का मतलब है उदारवादी।
मध्यम वर्ग के अनुसार उदारवाद का मतलब क्या था, मध्यम वर्ग क्या सोचता था उदारवाद के बारे में, उसका जो मत था मध्यम वर्ग का वो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो, कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो, यानी सभी को समान कानूनी अधिकार मिले, सहमति से बनी सरकार पर जोर, यानी ये प्रजातंत्र पर जोर देता था, ये चाहता था कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार ही शासन करे, कुलीन। अब देखिए यहीं पर ये तो था मध्यम वर्ग के द्वारा जो है सोचे गए विचार, और उसी में ये नॉर्मल सभी के लिए थे, और कुछ राजनीतिक उदारवाद भी थे। राजनीतिक उदारवादी जो विचार थे वो क्या थे कि कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति हो जाए। भाई कुलीन वर्ग को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसमें सबसे पहला अधिकार जो था वो था करों से छूट, तो ये कर न देने की प्रथा कुलीन वर्ग की समाप्त हो जाती, ये ऐसी इनकी धारणा थी। दूसरा, संविधान एवं संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर, यानी कि जो है जैसे अभी इस समय हमारे यहाँ लोकतंत्र में होता है कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही लोकसभा संसद में पहुँचते हैं, और वहाँ पर वही प्रतिनिधियों के द्वारा ही मंत्रिमंडल जो है का विस्तार होता है और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसी तरह से विधायकों के द्वारा उनके मंत्रिमंडल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा था कि संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का ये पक्षधर था राजनीतिक उदारवाद। दूसरी तरफ एक आर्थिक उदारवाद के भी पहलू पर हम देख लेते हैं। देखिए उदारवाद एक ही चीज़ है, लेकिन इसके ये राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक अलग अलग पहलू हैं। तो उसी में आर्थिक उदारवाद क्या था कि बाजारों की मुक्ति का मतलब ही है कि वस्तुओं के आवागमन को राज्य के नियंत्रण से मुक्त कर देना। असल में क्या था कि उस समय जो है कोई वस्तु जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसे कई बार रास्तों में चुंगी देना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था, तो वो चाहते थे कि जो है ये जो शुल्क बार बार देना पड़ता है इससे हमें मुक्ति मिल जाए, जिससे क्या होगा कि व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा और भी लोग व्यापार से जुड़ने लगेंगे। अब इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा ने राष्ट्रवाद के विचार को जन्म दिया, जिसका परिणाम 1789 की फ्रांस की क्रांति था। ठीक है, तो एक तरह से जो है ये फ्रांस की क्रांति कहाँ से उत्पन्न हुई, जब मध्यम वर्ग का उदय हुआ, और मध्यम वर्ग के लोगों के मन में जब उदारवादी विचारधाराएं जन्म लेने लगी, तब 1789 में फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ। आगे देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम निकले। देखिए फ्रांस की क्रांति किन कारणों से हुई थी ये हमने पहले ही चर्चा कर लिया है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के कारण नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद किस तरह से एक कारण था फ्रांस की क्रांति का। अब हम देखते हैं फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम पड़े। ठीक है, तो उसमें हम सकारात्मक परिवर्तनों की तरफ जरा सा ध्यान दे लेते हैं। तो पहला देखिए क्या हुआ कि जब ये फ्रांस की क्रांति हुई, तो चूंकि इनका ये पहले से ही इनकी ये सोच थी कि बाजारों की मुक्ति हो, वस्तुओं के आवागमन पर राज्य के नियंत्रण से मुक्त हो जाएं, तो हुआ क्या कि वस्तुओं और पूंजी के आवागमन को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया, लेकिन ये पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए। ये क्या हुआ कि जैसे एक जिले से दूसरे जिले में अगर सामान को ले जाया जा रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं, तो फिर उनको सीमा पर जो है चुंगी देनी पड़ती थी, शुल्क दिया जाता था, तो इसको भी समाप्त करने के लिए क्या हुआ, 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जिसका नाम था जाल वेराइन स्थापित किया गया। ठीक है, अब इसने क्या किया, इस संघ ने क्या किया कि शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। अब जितने भी तरह के शुल्क अवरोध जहां जहां भी थे, इस संघ ने उन शुल्क अवरोधों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 के ऊपर थी। भाई अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मुद्राएं प्रचलित थीं, जैसे इस समय भारत में जो है भारत की एक ही मुद्रा चलती है, क्या चलती है, रुपया। उसी तरीके से वहां पर भी फ्रांस ने भी क्या किया कि 30 मुद्राओं के जो ऊपर मुद्राएं चलती थी, 30 की संख्या से भी अधिक मुद्राएं चलती थी, प्रचलित थी उस समय बाजार में, उनको कम करके 2 कर दिया गया। साथ ही साथ क्या हुआ कि रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई। भाई जैसे जैसे रेलवे का जाल बढ़ता गया, वैसे वैसे आवागमन और तेजी से बढ़ता चला गया, और इसके कारण आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। इस कारण से व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने और अधिक मजबूत बना दिया। अब जब हमने ये देखा कि जो है उस समय जो 19वीं शताब्दी के पहले जो है यूरोपीय समाज की संरचना, यह हमने देखा कुलीन वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग,
ठीक है। और इस तरीके से जो है इन तीनों वर्गों के कारण और मध्यम वर्ग के उदय के कारण किस तरह से उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा सामने आई और किस तरह से क्रांति हुई, तो अब हम जान लेते हैं कि उस क्रांति के बाद, जैसा मैंने आपको नेपोलियन वाला जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था तो नेपोलियन के टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था कि नेपोलियन का जो राज्य साम्राज्य चला है वो 1814 1815 तक रहा है, ठीक है। 1814 से 1815 के बीच में एक बार फिर से ये चुना गया था सम्राट के रूप में। और 1815 में ही क्या हुआ, इसके बाद के हम नए रूढ़िवाद, अगला जो हमारा टॉपिक था ना, देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, 19वीं शताब्दी के पहले यूरोपीय समाज की संरचना, फिर उदारवादी राष्ट्रवाद हमने देखा, अब देखते हैं 1815 के बाद का रूढ़िवाद, ठीक है। तो यहीं पर जो है नेपोलियन को भी हमको इसमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि 1815 में ही क्या हुआ, वाटरलू के मैदान में एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में ब्रिटेन की सहायता से ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस ने नेपोलियन को हरा दिया, ठीक है। असल में क्या हुआ था कि जब जो है लुई 16वें का शासनकाल ख़त्म हुआ तो लोगों ने जो क्रांति करी थी 1789 में, तो सबका ये मानना था कि चलो अब लुई 16वां ख़त्म हुआ तो कम से कम जो है, वैसे भी वो बोर्गो साम्राज्य का ही उत्तराधिकारी था, तो जब बोर्गो राजवंश ख़त्म हुआ, उसको फांसी पर लटका दिया गया और इसके बाद लोगों ने सोचा कि अब प्रजातंत्र का चलन आएगा, प्रजातंत्र जो है लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जब नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बना तो वो प्रजातंत्र को ना ला करके उसने फिर से क्या किया, राजतंत्र ही लागू कर दिया। हाँ, उसने जो है कुछ ऐसी नागरिक संहिताएं भी बनाई जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और उसमें उसने लोगों के हितों, व्यक्तिगत हितों के लिए बहुत सारे काम भी किए। लेकिन क्या हुआ कि 1815 में वाटरलू की लड़ाई में ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस ने मिलकर के नेपोलियन को हरा दिया, तो इससे नेपोलियन का शासन वहीं पर ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1815 के बाद की रूढ़िवादी सरकारें, जो ये यूरोपियन सरकारें थीं, ये पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति व परिवार को बनाए रखना चाहती थी। रूढ़िवाद क्या होता है, रूढ़िवाद यही होता है जो पुरानी सोच है, जो पुरानी परंपराएं हैं, जो पुरानी संस्कृति है, जब हम उससे छुटकारा पाना नहीं चाहते, हम उसी को आगे और चलाना चाहते हैं, यही रूढ़िवाद है। और यही सोच उस समय की, जो 1815 के बाद जो यूरोपियन सरकारें थीं, उन्होंने मिल करके फिर से रूढ़िवाद को जन्म दिया और फिर से राजतंत्र को और अधिक निरंकुशता के साथ लागू करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, नेपोलियन के द्वारा किए गए समस्त परिवर्तनों को वियना में किए गए समझौते के माध्यम से समाप्त कर दिया। भाई नेपोलियन ने जो जो परिवर्तन किए थे, उन परिवर्तनों में से अधिकांश परिवर्तनों को वियना की जो संधि हुई थी 1815 में, उसमें इन्होंने सारे परिवर्तन समाप्त कर दिए। इसी और वियना में जो 1815 की संधि हुई थी उसको वियना संधि के नाम से, वियना समझौते के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब हम देखते हैं कि वियना समझौता या वियना संधि क्या है। भाई जब इसका नाम आया है तो इसको जान भी लें इसी समय, नहीं तो बाद में फिर ये दिमाग से कहीं निकल ना जाए। तो हम देखते हैं कि संधि के दौरान किए गए महत्वपूर्ण क्या क्या निर्णय थे, ठीक है, किन उद्देश्यों से ये संधि की गई। देखिए पहला तो ये था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बोर्गो वंश, यही लुई 16वां का वंश, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि लुई 16वां इसी वंश का था, तो बोर्गो वंश को वापस सत्ता में बहाल कर दिया गया। भाई जब 1789 की क्रांति हुई तो उसमें लुई 16वां को जब फांसी दी गई तो एक तरह से बोर्गो साम्राज्य का पतन हो गया, लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर दोबारा 1815 के बाद जो ये वियना संधि हुई इसमें फिर से वापस बोर्गो वंश को सत्ता में ले आए। दूसरा क्या हुआ कि नेपोलियन के समय जिन इलाकों पर फ्रांस का कब्जा हुआ था, भाई नेपोलियन ने कई सारे युद्ध भी किए और युद्ध में उसने अपने राज्य का विस्तार भी वो करता चला गया, तो जिन जिन इलाकों पर उसने कब्जा किया था जब 1815 में वियना की संधि हुई, तो उसमें उस दौरान उसने उन सारे इलाकों को खो दिया, फ्रांस से वो इलाके अलग हो गए। अब ये इलाके अलग क्यों किए गए, देखिए चूंकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके, फिर से फ्रांस अपना सिर ना उठाए, इसके लिए फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम किए गए। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर में नीदरलैंड का राज्य था जिसमें बेल्जियम को शामिल किया गया, दक्षिण में पीट मॉन्ट में जिनोवा इसको जोड़ दिया गया, मगर नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया, उसको नहीं बर्खास्त नहीं किया गया, उसको हटाया नहीं गया, भंग नहीं किया गया कह सकते हैं। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो प्रजातंत्र की जगह राजतंत्र जारी रखा गया। इसके साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था,
1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाओं की निरंकुशता का उदाहरण। ठीक है, हम देखते हैं भाई, देखिए रूढ़िवाद जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे जो है फैक्ट्स को देखेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि 1815 के बाद किस तरह से रूढ़िवाद अपना सर उठाने लगा। किस मतलब रूढ़िवाद तो था ही 1815 के पहले, नेपोलियन के शासनकाल में भी रूढ़िवाद रहा, लेकिन ये उतना अधिक प्रबल नहीं था जितना निरंकुश या 1815 के बाद हो गया। क्या हुआ, उन सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ठीक है, आप सरकार के खिलाफ कोई प्रश्न नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, सेंसरशिप के नियम बनाए गए। जैसे आजकल मूवीज़ वगैरह रिलीज होती हैं तो सेंसर बोर्ड से होकर के तभी वो जो है मार्केट में आती हैं, तभी पिक्चर हॉल में लगती हैं। तो सेंसर बोर्ड क्या करता है कि जितने भी जो है आपत्तिजनक उसमें सीन होते हैं उसको सेंसर बोर्ड कटवा देता है। ठीक है, उसी तरह से ये सेंसरशिप के नियम बना दिए गए जिनका उद्देश्य क्या था, अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त जो क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता से जुड़े विचार थे उन पर नियंत्रण लगाना। ठीक है, तो जो है ये 1815 की जो ये रूढ़िवादी निरंकुशता थी, ये चाहती ही नहीं थी कि इसके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचा जाए, इसके खिलाफ कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन हो। इसी कारण से उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। भाई इन्होंने जब इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया, अब आप किताबों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अपने विचारों को लोगों के सामने रख ही नहीं सकते। तो उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे उनका अब ये, उनके विचारों में एक विचार और ऐड हो गया कि प्रेस को आज़ाद किया जाए ताकि ये जो क्रांतिकारी विचार हैं वो जनसाधारण तक भी पहुंच सकें। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक क्रांतिकारी, इसको भी समझ लेते हैं कि क्रांतिकारी कौन थे और ये क्रांति ने जन्म कैसे ले लिया। ठीक है, 1815 की जो वियना संधि थी उसके बाद जिस प्रकार की शासन प्रणाली लागू की गई जो कि रूढ़िवादियों की निरंकुशता का उदाहरण थी, इसी के विरोध में क्रांतिकारी समूहों ने जन्म लिया जो कि उदारवादी राष्ट्रवादियों की विचारधाराओं से प्रेरित थे। मैं बार बार मैंने एक चीज़ कही है कि जब जो है देखिए, पेड़ की किसी भी टहनी को उतना ही झुकाना चाहिए जितना वो झुक जाए। अगर हम उससे ज़्यादा, उसकी क्षमता से ज़्यादा उसको झुकाएंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएगी और जब टूटेगा तो चोट हमको भी लगेगी। ठीक है, तो यही हुआ कि रूढ़िवादियों की निरंकुशता इतनी ज़्यादा प्रबल हो गई कि आखिर इसके विरोध में क्रांतिकारी समूहों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। अब इनमें जो है देखिए क्या था, किंतु दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। लेकिन ये क्या हो रहा था कि खुले आम जो है अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे थे, अपने विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि उस समय क्रांतिकारी होने का, अब देखिए मेन चीज़ क्या था, ये क्रांतिकारी क्यों जनसाधारण तक अपने विचारों को नहीं पहुंचा पा रहे थे, मेन चीज़ था कि क्रांतिकारी उस समय के जो क्रांतिकारी थे, इस समय से अगर हम तुलना करें तो आज के जो आतंकवादी हैं। ठीक है, उस समय जो क्रांतिकारी होने का मतलब था वो क्या था कि उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना जो वियना संधि के बाद स्थापित की गई थी। इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे अगर क्रांतिकारी विचारधाराओं से या उदारवादी राष्ट्रवादियों की विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप राजद्रोह कर रहे हैं, आप सरकार के विरुद्ध हैं। ठीक है, लेकिन क्रांतिकारियों का जो प्रशिक्षण था एवं उनके विचारों के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए उन्होंने क्या किया, गुप्त संगठनों का निर्माण करना शुरू कर दिया। और ऐसा ही एक क्रांतिकारी था जिसने सबसे पहले कार्बोनारी के गुप्त संगठन को ज्वाइन किया। बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, ऐसा ही एक क्रांतिकारी था जिसने पहले कार्बोनारी के गुप्त संगठन को ज्वाइन किया और बाद में स्वयं दो गुप्त संगठनों की स्थापना करी। एग्जाम में प्रश्न आता है कि जो है जैसे मार्सेई में यंग इटली या बर्न में यंग यूरोप, पूछ लेंगे क्वेश्चन कि यंग इटली या यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो इसका जो संस्थापक था उस क्रांतिकारी का नाम था ज्यूसेप्पे मेत्सनी। ठीक है, इस क्रांतिकारी का नाम था ज्यूसेप्पे मेत्सनी। इसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था जो कि इटली का ही एक जो है शहर था और इटली का ही ये क्रांतिकारी भी था। अब ज्यूसेप्पे मेत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, ऐसा इसका मानना था। यानी ये राष्ट्र के विचार पर बहुत अधिक जोर देता था, इसलिए उसका उद्देश्य इटली के छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों को जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र का बनाना था। इसका उद्देश्य था इटली का एकीकरण,
इसने एक सपना देखा था कि इटली को ये किस तरह से एकजुट कर दे, एक राष्ट्र का रूप दे दे। वह राजतंत्रों का घोर विरोधी और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों का स्वप्न देखता था। इस कारण एक विद्वान थे मैटरनिक, उन्होंने कहा हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जोसेपे मेत्सनी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है क्रांतिकारियों से फिर धीरे धीरे पहुंचेंगे कहाँ पर, 1830 से 1848 के बीच में जितनी जो क्रांतियां हुई, जो क्रांतियों का जो युग था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और इटली के एकीकरण पर भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो है आप मेरी लगातार जो वीडियोज़ आती जा रही हैं, पर डे जो है नए टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ, और अब बहुत जल्द ही ये पहला पाठ जो है, पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से आप जो है अगली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है संतोष कुमार गौड़, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दें, ताकि जो है जितनी भी वीडियोज़ अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।